Hey guys, good evening and welcome back to my channel. तो आज हम लोग तैयार होके जा रहे हैं जुहू बीच. बट टाइम के बाद मतलब ऑलमोस्ट एक साल होने आया है. तो लास्ट ईयर जब मैंने व्लॉग चालू किया था तब भी हम लोग गए थे और अभी आज हम लोग जा रहे हैं पूरा फैमिली. तो उसके लिए मैं तैयार होके अभी मम्मी के पास जा रही हूँ. फिर हम लोग सब मिलके हम लोग जुहू बीच जाएंगे. तो लेट्स गेट स्टार्टेड. और हम लोग ग्राउंड से जा रहे हैं. तो आज मम्मी जा रही है, एंटन जा रही है, एंटन की बहन और इसका फियांसे. हम लोग सब जा रहे हैं जो भी. अभी हम लोग निकल रहे हैं जू जाने के लिए और अभी हम लोग लिफ्ट ले रुके हैं. अभी हम लोग जू में पहुंच गए और ये अमिताभ बच्चन का बंगला इधर है कोने में. अभी हम लोग जू पे पहुंच गए और अभी गाड़ी से उतर रहे हैं और फिर जा रहे हैं जू बीच. कितना ट्रैफिक है, आज सैटरडे भी है तो ट्रैफिक बहुत है. इधर हमारा गाड़ी जो है वो पार्क हो रहा है और अभी हम लोग पहुंच गए जुहू बीच. और ये है रामाडा होटल और ये साइड है जुहू बीच का रास्ता. तो इधर से हम लोग सब लोग अभी जा रहे हैं. तो हम लोग भी बहुत टाइम के बाद आ गए, एक साल के बाद. इधर हम लोग आ गए अभी जुहू बीच में और इधर इमली सब कुछ खिलौना है इधर. और इधर हम लोग सब लोग चल रहे हैं जुहू बीच में. और ये है हमारा होटल और वो देख सकते हैं आप लोग जुहू बीच का सब दुकानें हैं. देख सकते हैं ये है जुहू बीच और इधर आप लोग को सब कुछ मिलेगा. गोला, पाव भाजी सब कुछ मिलता है. इधर देख सकते हैं आप अलग अलग खिलौना है बच्चे लोग के लिए. इधर बुड्ढी का बाल है. तो आज सैटरडे भी है तो बहुत गर्दी है. और अभी हम लोग थोड़ा आगे के साइड जा रहे हैं. तो इधर आप देख सकते हैं कितना गर्दी है. इधर सिल्वर मैन है और ये पहले बैंडस्टैंड पे रहता था गोल्ड मैन, तो उसको भगाया था. तो इधर अभी जू बीच पे है. आप लोग कितना कर सकते हैं, आप लोग कर सकते हैं कंट्रीब्यूट और उसको हेल्प कर सकते हैं. बेचारा पूरा दिन इधर रहता है. इधर आप देख सकते हैं पूरा खिलौना से भरा है और अलग अलग बच्चों लोग के लिए खिलौना है. और आज सैटरडे भी है तो बहुत गर्दी है इधर. तो हम लोग सिर्फ देख रहे हैं. इधर बलून वाला भी है, आगे मेहंदी वाले भी है और आगे आप देख सकते हैं इधर बैग्स वाले, क्लिप वाले सब कुछ है. और वो साइड पे सब दुकानें हैं पाव भाजी के लिए, गोला वो सब मिलता है. तो अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर के साइड और हम लोग जा रहे हैं पाव भाजी खाने के लिए. आज बहुत गर्दी है इधर. और ये हम लोग का गोला वाला तो पहले खाने के लिए आ रहे. तो हम लोग हमेशा सिटी विलय की पाव भाजी खाते हैं वो गॉड. तो आप देख सकते हैं गर्दी कितना है इधर सिटी विलय पाव भाजी. ये हम लोग खाते हैं सिटी विलय खास हमेशा पड़ेगा थोड़ा टाइम. तो इधर गोला वाला है, स्प्रिंकल्स है और अभी हम लोग इधर रुक रहे हैं. इधर है चूजे और इतना
He's calling. Come on. और इतना रश है, अभी हम लोग जा रहे हैं ऊपर खाने के लिए। उधर आप देखेंगे पाव भाजी हम लोग का पाव भाजी आ गया है और अभी हम लोग खा रहे हैं। देख सकते हैं ये है बीच वाला सर्कल जो इधर सब कुछ मिलता है, पानी पूरी, डोसा, गोला और मेरा सबसे फेवरेट है रबड़ी। पर इस टाइम हम लोग रबड़ी नहीं खा रहे हैं, हम लोग सिर्फ गोला ले रहे हैं। मुझे गर्मी बहुत लग रही है और उससे मुझे कुछ ठंडा चाहिए। इधर आप देख सकते हैं ये है पूरा सर्कल जो जू में है और ये पूरा सर्कल में ही दुकान नहीं है। इधर और अभी हम लोग ने खाया पाव भाजी और अभी हम लोग खा रहे हैं गोला, तो हम लोग हमेशा खाते हैं। ये है हमारा गोला जो जू बीच का है। हम लोग आए इमली और आम लेने के लिए, तो ये बाहर की साइड है क्योंकि वो साइड सब सैंड रहता है, उसके लिए हम लोग बाहर इमली खा रहे हैं। क्या है अभी मई जून में जब ना और मीठा होएगा, ये पहले से पक चुका है। हम लोग बना रहे हैं खिचड़ी, तो पहला हम लोग ने डाला है जीरा, फिर गरम मसाला जो है ब्लैक पेपर क्लोव्स, दालचीनी, लौंग, तेज पत्ता, इलायची, छोटी इलायची और अभी हम लोग डाल रहे हैं जिंजर गार्लिक पेस्ट। नमक अपना टेस्ट हिसाब से आप डाल सकते हैं। फिर हम लोग डालेंगे रेड कश्मीरी चिली पाउडर और एक चम्मच हम लोग डालेंगे हल्दी पाउडर और एक आधा टी स्पून हम लोग धनिया का पाउडर डालेंगे। तो हम लोग अच्छे से भूनेंगे जब तक टमाटर एकदम पकना जाएगा। उसके बाद आप चावल और दाल डाल सकते हैं और अच्छे से मिलाएंगे और फिर पानी आपके हिसाब से डाल सकते हैं। आपका चावल कितना रहेगा आप माप करके भी ले सकते हैं और फिर पानी डाल के 3 गिलास चावल और दाल लिया तो 6 गिलास पानी और फिर उसके बाद हम लोग पानी डाल के अपने हिसाब से फिर उन लोग को अपने के लिए सकते हैं। कभी भी खिचड़ी आप करते हो तो आपके हिसाब से, अगर आप 2 गिलास चावल और दाल डालते हो तो 4 गिलास पानी रहेगा। आज हम लोग बना रहे हैं बासमती चावल का खिचड़ी, तो आप उसमें लाल दाल और पीला दाल डाल सकते हैं दोनों मिक्स करके, तो बहुत अच्छा खिचड़ी बनता है और मुझे बहुत पसंद आता है मम्मी का हाथ का खिचड़ी। अभी तो मम्मी ने पानी डाला है, अभी इसको अच्छे से मिला के फिर हम लोग पकने के लिए रखेंगे अच्छे से। इसके साथ हम लोग बना रहे ड्राई बॉम्बे की चटनी, तो हम लोग ने बॉम्बे को साफ़ किया है, इसको अच्छे से हम लोग ने साफ करके पीसेस में कट किया है और फिर उसको गैस पे भूना तवा पे अच्छे से जब तक वो गोल्डन ब्राउन नहीं हो गया और फिर उसको पानी से हम लोग ने अच्छे से धोया और फिर हम लोग ने रखा है ताकि मम्मी जो है वो बॉम्बिल का चटनी बनाएगी। अभी हम लोग ने बॉम्बिल डाला है, फिर रेड चिली पाउडर जो कश्मीरी लाल है और फिर उसके बाद हल्दी पाउडर डाला है और फिर एवरेज का रेड चिली पाउडर थोड़ा सा और अभी ये है धनिया पाउडर 1 टीस्पून और अभी हम लोग डाल रहे हैं 1 टीस्पून हल्दी मसाला फिर हम लोग डालेंगे गार्लिक को 1
8 या 10 गार्लिक का क्लोव्स, फिर छोटा पीस हम लोग डालेंगे जिंजर का, अदरक काट के, अभी मम्मी जो है वो अदरक काट रही है और फिर अभी उसमें हम लोग डालेंगे देख सकते हैं सब कबूतर इधर लाइन से बैठे हैं पीछे के रास्ते से और ये है हमारा बेडरूम वाला बालकनी। इधर मम्मा का जार है जो टमाटो वाला है और इधर भी और एक जार है जो लाल कलर का है और ये है हमारा पीछे का व्यू। इधर सब गाड़ी जा रहे हैं पीछे के रास्ते से। हम लोगों ने जीरा डाला है, फिर कोरिएंडर लीव्स और मिर्ची, तो आप 4 या 5 मिर्ची डाल सकते हैं आपके टेस्ट के हिसाब से जो कितना स्पाइसी आपको खोलता है। थोड़ा पानी डाल सकते हैं जब तक वो मसाला अच्छे से पीस में जाएगा चटनी के लिए और फिर हम अपने टेस्ट के हिसाब से। हम लोगों का जो चटनी का मसाला है वो ग्राइंड हो गया है और अभी मम्मी जो है पैन में तेल लगाए इसको भी अंदर अच्छे से दिस लिटिल एक्स्ट्रा यूनिट है तो इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा तेल जाता है खाने के लिए। चावल भी खुला खुला हो गया और परफेक्ट तो मम्मा ने खराब कर रखा है हमेशा कभी भी हो स्लो भी गैस पे रखे और ये है हमारा गोभी वाला चटनी रेडी हो गया पूरा अच्छा ड्राई हो गया देख सकते हैं तो तेल पूरा सिक गया है चटनी और ये बहुत टेस्टी होता है। आप दाल और चावल और दाल के साथ खा सकते हैं, खिचड़ी के साथ खा सकते हैं, बहुत अच्छा टेस्ट लगता है। वो देख सकते हैं वो नीचे गई है क्योंकि उसको गर्मी लग रही है तो कपड़ा के नीचे बैठी है। ब्लेस यू, यू फीलिंग हॉट, यू फीलिंग हॉट ना नी। और इधर जो है बैठी और ब्रिटेन बैठे हैं लोग फंका के नीचे ही है वो खाना खा रहे हैं खिचड़ी। ये है बोम्बिल वाला चटनी और ये है मेरा फरसान। चलो गाइस आ जाओ खाना खाने के लिए।